बहुत दिन से चर्चा है कौन बनेगा मंत्री। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए हैं। कौन बनेगा मंत्री, ये बनेंगे वो बनेंगे, यही सुन रहे हैं ना आप लोग, यही चर्चा भी हो रही है कि कौन बनेगा मंत्री। आज आप विस्तार न्यूज का ये विश्लेषण सुन लीजिए और आज के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए और ये मान लीजिए कि इन्हीं में से कोई मंत्री बनेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आज अगर आप इस खबर को देख लेंगे तो आज से आपके मन में सोचने के लिए एक साथ में जो कहते हैं ना सहयोगी विचारधारा, सहयोगी सोच या आपका सपोर्टिंग एलिमेंट जो है वो विस्तार न्यूज ने आपको आज तैयार किया। इस विश्लेषण को देख लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों अगर सबसे ज्यादा चर्चा है तो इसी बात की हो रही है कि विष्णुदेव साय सरकार में दो नए मंत्री कौन होंगे। चर्चा तो ये भी है, धीरे से बता रहा हूं, चर्चा ये भी है कि दो मंत्रियों को अलग अलग कारणों की वजह से हटाया जा सकता है। मतलब समझ गए, रुक जाता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। दो मंत्री तो बनने हैं, एक बृजमोहन अग्रवाल की जगह खाली है तो बनना ही बनना है, और एक मंत्री जो पहले से खाली है, रिक्त पद है, इसलिए बनना है, लेकिन दो हट भी सकते हैं। इस तरह से चार कैबिनेट मंत्रियों की जगह बन रही है छत्तीसगढ़ में, और इस जगह के लिए करीब 7-8 बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े मतलब बड़े कद के चेहरे दावेदार हैं। इस खबर को देखते जाइएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। शुरू के पैरा में आपको लग रहा है ये दो का सिगुफा कहां से लेकर आ गए ज्ञानेंद्र तिवारी, सब बताऊंगा। हालांकि बीजेपी में क्या होने वाला है ये बहुत आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी संगठन और बीजेपी नेताओं में जो बातचीत चल रही है और उसके आधार पर जो बातें छनकर बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक बदलाव तो हो सकता है, ऐसे कयास लगने लगे। पहली बात तो यह है कि हाल ही में बालौदा बाजार में जो घटना हुई उसके बाद से लगातार सतनामी समाज के नेताओं की गिरफ्तारी हुई। सतनामी समाज के अंदर इस तरह की गिरफ्तारियों से थोड़ा गुस्सा है, हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में इस समाज की उपस्थिति 12-14% के बीच है और इस घटना के बाद ये आवाज उठने लगी कि क्या इस समाज से एक और मंत्री को जगह मिल सकती है। ये चर्चाओं का बाजार है, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस खांचे में कैसे कौन फिट हो सकता है, लेकिन पहले आपको भूमिका बता दूं। बीजेपी सतनामी समाज से एक और मंत्री बनाकर ये संदेश भी देना चाहेगी कि बीजेपी सतनामी समाज के साथ है। हालांकि ये भी कयासों के बाजार की ही खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सवर्ण समाज के प्रतिनिधित्व। सरकार में दो सवर्ण मंत्री थे, एक विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम हैं और दूसरे बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा जाने के बाद एक सवर्ण मंत्री और खासकर रायपुर से मंत्री बनाए जाने की संभावना है सबसे ज्यादा है, क्योंकि रायपुर के 7 सीटों में से, आपको मैं समझाता चलता हूं और ये बताता चलता हूं कि रायपुर में संभावना सबसे ज्यादा क्यों है। रायपुर के 7 विधानसभा सीटों में से अभी एक भी मंत्री नहीं है, सोचते जाइएगा, दिमाग लगाते जाइएगा, एक भी मंत्री नहीं है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि रायपुर से एक मंत्री हो सकता है। अब चलिए रायपुर से कौन हो सकता है, अगला सवाल कि चलिए भाई एक भी नहीं है, एक यहीं से पद खाली हुआ है तो कौन हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। कौन रेस में है इसकी बात कर लेते हैं, विस्तार से कर लेते हैं। रेस में सबसे आगे हैं राजेश मूणत, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजेश मूणत को लेकर आम सहमति बन गई है। लेकिन एक दूसरा नाम भी तेजी से उभर कर सामने आ रहा है और वो नाम है रायपुर उत्तर से विधायक पुरेंद्र मिश्रा का। पुरेंद्र मिश्रा तो ये भी कह चुके हैं कि मेरी तो इच्छा भी है मंत्री बनने की। सुनिए, सुनना चाहते हैं आप, मंत्री बनने के सवाल पर हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी से क्या बोल रहे थे पुरेंद्र मिश्रा, सुनना चाहते हैं? मेरी इच्छा है, उनकी इच्छा क्या है जान लीजिए, सुनाइए भाई। विधायक जी, मैं आपका व्यक्तिगत, क्योंकि आप विधायक हैं और आप मंत्री बन सकते हैं, तो इच्छा तो होगी ना? क्यों नहीं होगी,
इच्छा क्यों नहीं होगी, हर आदमी का इच्छा होता है। शादी करेगा तो बेटा पाने की इच्छा होगा कि नहीं? यदि शादी करेगा तो बेटा पाने की इच्छा होगा कि नहीं होगा? कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा ना हो? हर आदमी चाहता है कि मैं 10वीं पास होने के बाद 11वीं पढ़ूँ, 11वीं पास होने के बाद 12वीं पढ़ूँ और कॉलेज पढ़ूँ, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, सबकी इच्छा रहती है। क्या लगता है मंत्री बन जाएंगे? देखिए, हम तो जगन्नाथ जी के प्रश्न है, हमारा तो जगन्नाथ जी सब कुछ है और हमारे बड़े पार्टी में बड़े बड़े बैठे हैं ऊपर, वो लोग निर्णय करेंगे, जो योग्य होगा उसको देंगे। जगन्नाथ भगवान की जय हो, लेकिन अनमोल तिवारी शादी के बाद बच्चा पैदा करने की बात नहीं कर रहे थे। अनमोल तिवारी विधायक बनने के बाद मंत्री पद लेना चाहते हैं कि नहीं, इसकी बात कर रहे थे। खैर, भगवान करे शादी के बाद बच्चा हो, सबका परिवार फले फूले। लेकिन अब मंत्री के बीच में बच्चा आ गया तो विश्लेषण तो विस्तार से करना पड़ेगा। यह तो रही रायपुर की बात, अब चलिए आपको बस्तर संभाग के समीकरण की ओर लिए चलता हूं, विस्तार से सब कुछ बता देता हूं। इतने विस्तार से आपको कहीं और नहीं मिलेगा, यह विस्तार न्यूज में ही मिलेगा। एक एक शब्द आपके दिमाग में घर कर जाए, ऐसा विश्लेषण आपके सामने लेकर हम आते हैं। चर्चा यह भी है, बस्तर से भी एक मंत्री पद मिल सकता है और इस रेस में सबसे आगे चल रही है लता उसेंडी। बॉस, रुक जाइए, रुक जाइए, क्योंकि कोई एक तारीख आएगी जब मुझे कहना पड़ेगा कि सबसे आगे चल रही है लता उसेंडी। मैंने ये उस तारीख को बता दिया था। खैर, सूत्रों की माने तो लता उसेंडी एकमात्र नेत्री हैं जिनकी दावेदारी लगभग तय। अब आ जाइए दुर्ग संभाग। इस रीजन में सबसे आगे चल रहे हैं गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव का मजबूत पक्ष ये है कि वो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और विश्रा राम यादव के बेटे हैं, और सूत्रों की माने तो आरएसएस की तरफ से भी उन्हें हरी झंडी दे दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जो बस्तर से आते हैं, और अमर अग्रवालों के नामों की चर्चा जोरों से चल रही है। इसके आगे समीकरण पर बात नहीं करूँगा। ये विस्तार न्यूज का विश्लेषण था, विस्तार न्यूज के अंदर की रिपोर्ट थी। मृगेंद्र पांडे हमारे ब्यूरो चीफ, संजय ठाकुर, ये सब मिलजुल कर रिपोर्ट बनाए थे। ये वही मैं आपको बता रहा था कि उसका निष्कर्ष क्या है। अब आपको हर रीजन की जनता की मांग सुना देता हूं कि जनता किसे मंत्री के रूप में देखना चाहती है। हालांकि मंत्री कौन बनेगा, बहुत साफ कर दूं, हालांकि मंत्री कौन बनेगा ये मुख्यमंत्री का विशेषा अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में जनता से बड़ा कौन है भला, बताइए। अपने अपने इलाके को जो विस्तार न्यूज देख रहे हैं, सीधे मुद्दे की बात, आप सोचिए कि जनता सोच रही होगी ना कि कौन है, इसलिए आपको जनता की राय सुनाना जरूरी है। ये देख लीजिए इतने चेहरे हैं, ये देखिए भाई इतने चेहरे हैं, ये सब बदलते जाएंगे। इतने लोगों से बात की है विस्तार न्यूज ने, विस्तार न्यूज बिना तथ्यों को कोई बात ही नहीं करता, ये देखिए। और ग्राफिक्स के सहारे इन लोगों को बात करते दिखा दिया है। खोल दीजिए फ्रेम, अब आपका चैनल है, हम कहते हैं विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल, अब ये देखिए ये सब विस्तार न्यूज से बात कर रहे हैं। बताइए कहां आप देखते हैं? ऐसा सर्वे चुनाव के समय होता है। लेकिन ये आपको दिखा इसलिए रहे हैं ताकि आपको ये समझ आएगी, नहीं आपकी राय भी जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मंत्री कौन बनेगा ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन सबसे पहले राजधानी रायपुर के लोग क्या कह रहे हैं सुना दीजिए कि रायपुर के लोगों की मनसा क्या है, किसे देखना चाहते हैं वो मंत्री के रूप में। राजेश मूणत जी को क्यों होना चाहिए? राजेश भैया, उनका विकास बहुत अच्छा है, जो भी कार्य किए हैं बहुत अच्छा किए। इससे पहले 5 साल पहले जब इनका सत्ता था, बहुत अच्छा विकास किए हैं भैया। राजेश मूणत का क्यों? राजेश मूणत जो काम नहीं होता उसको करके दिखाता है, और मंत्री नहीं कर पाएंगे। पुरंदर मिश्रा जी का भी तो नाम चल रहा है। नहीं, वो नहीं कर पाएगा, राजेश मूणत सही है। मूणत बैठना चाहिए। मूणत जी का चांस लग रहा है भाई, मूणत जी ज़रा पसंद है। देखिए, रायपुर की जनता जो है वो तो सीधे राजेश मूणत के नाम पर मुहर लगा रही है, और राजेश मूणत के नाम पे आम सहमति बन गई है, ऐसा भी कौन कह रहा है दैनिक भास्कर अखबार के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। सुन लिया आपने, अब सुनिए दुर्ग के लोग क्या कह रहे हैं। दुर्ग के लोगों को भी सुना दीजिए भाई, दुर्ग के लोग किसे देखना चाहते हैं मंत्री के रूप में, सुनाइए।
यादव समाज का रहा है तो उस लिहाज से गजेंद्र यादव जी का भी एक उसमें आ सकता है। गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर, रिकेश सेन, ये सभी काबिल लोग हैं। यदि लोगों ने मौका दिया है तो सोचना चाहिए। ललित चंद्राकर जी हों या गजेंद्र यादव जी हों, दोनों के दोनों योग्य हैं और ये दोनों में से जिन्हें भी मंत्री का पद मिलता है वो पूरे दुर्ग शहर वासियों के लिए, दुर्ग जिले वालों के लिए गर्व और हर्ष की बात होगी। चार विधायक यहाँ से जीत के आए हैं। पहली सबसे बड़ी जो दावेदारी है वो गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर की दिखती है। निश्चित रूप से होना चाहिए और मंत्री अगर कोई बनता है तो सीनियर के हिसाब से मेरे ख्याल से जो है डोमनलाल कोरसेवाड़े को बनाना चाहिए। मिली जुली राय है दुर्ग के लोगों की और पिछली सरकार में तो 6 मंत्री यहीं से थे। मिली जुली राय है, कोई रिकेश सेन को देखना चाहता है, कोई गजेंद्र यादव को देखना चाहता है और कोई कुर्सेवाड़ा को भी देखना चाहता है, इस तरह की बातचीत दुर्ग में। लेकिन इसी तरह बस्तर से भी हमने लोगों की राय मंगवाई है। बस्तर के लोग किसे देखना चाहते हैं, अभी एक मंत्री है वहां से, ये भी सुना दीजिए। किरण देव एक ऐसा चेहरा है कि अगर वो मंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं बस्तर की दिशा में, बस्तर के भविष्य को लेकर के काफ़ी कुछ संभावनाएं बनती हैं। व्यक्तिगत मानना है कि बस्तर क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, चाहे वो किरण देव जी हों, चाहे वो विनायक गोयल जी हों, कोई भी सक्रिय जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए। इस बार बस्तर से एक और मंत्री पद मिलना चाहिए और वरिष्ठ लोगों को मिलना चाहिए, जिसमें हमारे किरण देव जी है, लता हुसैन जी है, ऐसे वरिष्ठ लोगों को हमको बस्तर से एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सीतापुर के विधायक टप्पो, उनको बना सकते हैं। क्या नाम है? राम कुमार टप्पो। ये जो राम कुमार टप्पो की बात कह रहे थे ये बस्तर में धोखे से आ गए थे। सरगुजा के लोगों की अलग मांग है, ये भी सुन लीजिए। टोपो जी आपको वहां सुनाई देंगे और नहीं देंगे तो इनका विश्लेषण मैं आपको कर दूंगा। सरगुजा के लोग क्या कह रहे हैं ये भी सुनाइए। हमारे ये सीतापुर विधानसभा के ब्रिज राम कुमार जी हैं, वो हमारे अभी चाहते हैं कि वो हमारे इस बार शिक्षा मंत्री बने, जिससे हम लोग का सरगुजा विभाग का बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो सब डेवलप हो थोड़ा। एक हमारे प्रबोध मिंज हैं, वो भी एक ऑप्शन अच्छे हैं, या तो एक युवा नेता राम कुमार टोपो हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। अरे जो नेता हैं भैया लाल राजवाड़ी, उनको शिक्षा मंत्री बनना चाहिए। चलिए कांकेर से आवाज उठ रही है और कांकेर के लोग ने किसे कहा, कांकेर के लोगों ने किसे कहा, किसे वो मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैंने लता हुसैंडी का नाम बताया था, हाँ हुसैंडी नाम अलग है, सुनाइए भाई। साथी कांकेर को अगर ये सौभाग्य मिलता है, आसाराम नेताम हमारे विधायक है कांकेर लोग, कांकेर विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको भी ये मौका देना चाहिए। तो निश्चित अगर मंत्री जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का विकास होता है। अपने कांकेर में जैसे आसाराम नेताम जी हैं अभी, तो उनको मंत्री का एक पोस्ट मिलना चाहिए जिससे वो हमारे कांकेर का भी विकास कर सके। आसाराम जी हो गए, अगर मंत्री बनते हैं तो बस्तर का निश्चित सुनवाई होगा। अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये विशेषाधिकार है, लेकिन जनता जनार्दन है, ये सब जनता कह रही है और जनता ही जनार्दन है, इसलिए हमने ये सर्वे करवाया है।